हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय क्राफ्ट वीडियो डाल रही थी। तो क्राफ्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो आज हम बनाते हैं, आपके घर में अगर पुराना पर्दा हो तो पुराने पर्दे ऐसे ही रखे रह जाते हैं, क्योंकि नए नए पर्दे यूज़ होते रहते हैं, पुराने पर्दे इधर से उधर फिर रखे रह जाते हैं। तो उन्हीं पर्दों से हम नया कुछ बनाएंगे, आज नया कुछ बना के उसका यूज़ करेंगे। तो क्या ही बनाना है, तो वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी तो हम उसको काटेंगे, और काटने के बाद से दिखाते हैं कि क्या करना है। तो ये है, मैंने ये 5.5 बाई 5.5 का एक मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड है ये। तो ये इसको पुट्ठा है, मतलब एक तरह से, तो इसको मैंने कट किया है 4 बाई 4 का। और बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं इसको कट की हूँ, और इसको कट करके इसी के साइज़ से कपड़ा कट करूँगी। और इससे हमें लगभग 25 से 30 पीस ऐसे ही पर्दे में से कट करना है। मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसा ही करना है आप सबको। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे चौकोर पीसेस कट कर लेने हैं, 25 से 30 कट कर लेने हैं, और ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। आप सब यकीन नहीं करेंगे कि ये पुराने पर्दे का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा एकदम से होगा ये। तो पहले अब बताते हैं इसके बाद फिर से क्या करना है। तरह से मैंने सिलाई कर दी है, मैंने बता रही थी ना कि दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई कर देना है। अब इसका सुई धागा लेंगे, और सुई धागा की हेल्प से इस कोने पे इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर से लगाएंगे, और मोटी मोटी सिलाई करते जाएंगे। आप लोग देख रही थी इस तरह से मोटी मोटी सिलाई करनी है, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, और मोटा हो गया है कपड़ा इसका। तो हम पतली वाली सुई लेंगे, क्योंकि मोटी वाली सुई में थोड़ा सा पर्दा मोटा होता है तो दिक्कत हो जाएगी इसीलिए। और फिर हम जब हमारा यहाँ तक पूरा हो जाएगा, कॉर्नर तक फिर से आ जाएगा, तो हम ये वाला हिस्सा भी सेम उसी प्रोसेस से कर लेंगे। ऐसे रफ, बिल्कुल रफ सिलाई करनी है
कॉर्नर पे आ गया। कॉर्नर पे आके उसको इस तरह से खींच देंगे। मैंने खींच लिया इसको। जब हम इसे खींचेंगे तो इस तरह से ये कुछ बन जाएगा, पैटर्स जैसा दिखने लगेगा। पैटर्स जैसा दिख रहा है आप सबको। तो इसको हम खींच के और यहाँ पे अच्छे से इसको टक कर देंगे। और जितने भी हमने बनाए हैं सबको इसी तरह से बना लेंगे। पेटल्स तो हमारे सारे बन चुके हैं। अब हम लेते हैं, ये मेरी पुरानी कुर्ती है, तो आप भी पुराने कपड़े का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी इच्छा हो। वैसे तो पुराने कपड़े बहुत सारे घर में पड़े रहते हैं, पुरानी कुर्तियाँ पड़ी रहती हैं, तो मैं तो पुरानी कुर्ती ही ले रही हूँ। और इसका प्लेन वाला हिस्सा मैं कट कर लूँगी क्योंकि आगे वाले हिस्से पर वर्क है, तो आगे वाला हिस्सा किसी और काम के यूज़ में लिया जाएगा। तो ये मैंने मेज़रमेंट किया 17x17 का, यानी 17 इंच का मेज़रमेंट मैंने किया और दूसरी तरफ से मैंने 17 इंच ही लिया है। तो 17x17 का मेज़रमेंट करके और बराबर से काट लेंगे। और फिर इसके बाद से हम इस तरह से गोल एक प्लेट लेते हैं और गोल प्लेट का हम निशान लगा लेंगे चारों तरफ से। और उसके बाद काटना नहीं है, देखते हैं क्या करना है। तो जो हमारे पेटल्स हैं उसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो पहले मैंने कोशिश की कि मैं हाथ से लगाऊंगी, पर हाथ मशीन से लगाऊंगी, पर मशीन से बहुत टफ हो रहा था क्योंकि ये पर्दे का कपड़ा है जिसकी वजह से डबल ट्रिपल हो जाने की वजह से काफ़ी मोटा हो गया है और मशीन चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा चलिए इसे हाथ से ही किया जाए और इसे इसी तरह से अरेंज करना है जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये फर्स्ट रो मैंने इस तरह से किया है और सेकंड रो भी हम इसी तरह से करेंगे। और दिक्कत ये हुई कि मशीन चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको हाथ से ही किया जाए। तो मैं इसको अब हाथ से करूँगी तो हाथ से भी काफ़ी इजीली हो जाएगा। मशीन से ये होता है ना कि थोड़ा सा ये मोटा पड़ जा रहा है तो सूट उठने का डर है, तो मैं इसको हाथ से ही करूँगी। और मैं दिखाती हूँ किस तरह से करना है हाथ से। तो पहले तो जिस तरह से मैंने बताया था उसी तरह से इसको नीचे वाले ऊपर वाला रो पूरा हो जाए तो नीचे वाले में इस तरह से लगा। Thank you.
जब हमारी दो रो पूरी हो जाए तो हम इसी तरह से घुमा घुमा के कई रो करते जाएंगे और लास्ट में हमारा बिल्कुल थोड़ा सा जगह बचेगा, उसमें हम येलो वाले कपड़े में से ही लेके और बीच में पुराना सा कपड़ा भर के उसका गोल राउंड का रूप ले लेंगे और उसके बाद से इसको बीच वाले हिस्से पे इस तरह से टक कर देंगे काफ़ी अच्छे से। और जो भी पेटल्स हमारे उठे हुए दिख रहे हैं उसको भी हम टक करते जाएंगे एक एक बार चारों तरफ से, तो ये इस तरह से उठे उठे नहीं दिखेंगे, अच्छे से पैक हो जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है। तो आगे हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। पीछे हमने दो टुकड़े में लिया है, 18 बाय 18 का, 18 बाय 17 का हमने कट किया और फिर उसको दो हिस्सों में कट कर दिया। और फिर उसके बाद से हम इस तरह से पिनअप करते हुए चारों तरफ से सिलाई करेंगे, यानी ये कुशन बना रहे हैं। तो पीछे वाला हिस्सा कुछ इस तरह से रहेगा, आप लोगों को पता है ये पीछे वाले हिस्से में या तो चैन लगता है या तो फिर आप खुला भी रख सकते हैं। तो पीछे वाले हिस्से का मैंने इस तरह से सिलाई कर दी और सिलाई करने के बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये हमारा बनके हो गया रेडी। अब हम करते हैं इसको सीधा, देखते हैं कैसा लग रहा है और फिर लगा के भी दिखाएंगे आप सबको। दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैं सोची कि मैं पूरा कर लेती हूँ शाम के टाइम। 4 साढ़े 4 हो रहा है शाम का, वही मैं थोड़ा सा दोपहर में लेट गई थी और अब मैंने कंप्लीट किया है तो मैं लगा के दिखाती हूँ आप सबको। है इसका फाइनल लुक, अब मैं लगा के दिखाती हूँ तो पता चलेगा कैसा लग रहा है बना है। और अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, गलत कह रही हूँ कि सच कह रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर बनके तैयार हो गया है, मैं लगा के दिखाती हूँ आप सबको। तो ये है इसका फाइनल लुक, मैंने क्वेश्चन में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर बन के तैयार हो चुका है। तो आप सबको ये मेरा रियूज़ आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, क्योंकि पुराने कपड़े से ही इतना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। तो आप सबको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।